हाय दोस्तों, मैं हूं पायल गुड़ियाल। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं। वहीं अब लीजिए, अमीषा पटेल की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। धोखाधड़ी के आरोप में रांची कोर्ट ने अमीषा पटेल के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। अमीषा पटेल पर प्रोड्यूसर अजय कुमार ने 2.5 करोड़ रुपए के चेक बाउंस का आरोप लगाया है। दरअसल प्रोड्यूसर ने कोर्ट में शिकायत की है कि साल 2013 में उन्होंने फिल्म देसी मैजिक बनाने के लिए अमीषा पटेल को 13 करोड़ रुपए उधार दिए थे। इसके बाद जब वो अमीषा से पैसे वापस मांगने गए तो उन्होंने पैसे देने में काफी ड्रामा किया। बाद में जब अमीषा की फिल्म पर कोई काम नहीं हुआ और वो ठंडे बस्ते में चली गई तो प्रोड्यूसर अजय कुमार ने एक बार फिर अपने पैसे मांगे तो अमीषा ने 2.5 करोड़ का चेक दे दिया। मगर जब चेक को बैंक में लगाया गया तो वे बाउंस हो गया। इसी मामले में अमीषा के खिलाफ प्रोड्यूसर अजय कुमार ने रांची कोर्ट में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। अजय ने बताया कि मामला दर्ज होने के बाद से लेकर अब तक अमीषा से वो कई बार संपर्क करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अमीषा कभी भी ना तो उनका फोन उठाती हैं और ना ही उनसे मिलती हैं। इसके बाद अमीषा को कोर्ट से समन भेजे गए और पैसों को लेकर कोर्ट में कार्यवाही चलती रही। अमीषा पर यह भी आरोप लगा है कि जब उनसे पैसे मांगे गए तो उन्होंने मशहूर लोगों के साथ अपनी फोटो दिखाकर धमकाने की कोशिश भी की। अमीषा पर इस तरह का पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी उन पर धोखाधड़ी के आरोप लगते रहे हैं। बताया जाता है कि अमीषा पर एक इवेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भी 11 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। दरअसल अमीषा पर आरोप था कि उन्होंने एक वेडिंग इवेंट में आकर डांस करने के 11 लाख रुपए लिए थे, लेकिन पैसे लेने के बाद भी वह इवेंट में नहीं पहुंची। कहा जा रहा है कि जल्द ही अमीषा पटेल को अरेस्ट किया जा सकता है। आपको बता दें कि हाल ही में अमीषा सलमान खान के शो बिग बॉस 13 में भी नजर आई थी, जिसके चलते भी वो सोशल मीडिया पर ट्रोल हुई थी। हालांकि काफी दिनों से वो शो में नजर नहीं आई हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि उन्हें शो से हटा दिया गया है। वल देखने वाली बात तो अब ये होगी कि अमीषा पर लगे धोखाधड़ी के मामले पर आगे कौन सा नया मोड़ आता है। वैसे आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहें हमारे साथ।